हर समुदाय की एक अलग पहचान होती है, हर कल्चर का एक अपना महत्व होता है और हर कल्चर का वो रहन सहन जो है वो अलग होता है। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त बहादुर भारद्वाज। आज मैं ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जहां पे हमारे जो है गुज्जर समुदाय के लोग रहते हैं। उस खासकर उन घरों को बोला जाता है कोठा। कोठा यानी जिसमें वो टेम्परेरी रहा करते हैं, फिक्स नहीं। वो भी मतलब जब सर्दियों का मौसम होता है तो वो भी इन घरों से वो निचले हिस्सों में चले जाते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कि कोठे कैसे होते हैं और कैसे वो रहते हैं। चलिए, ये है कोठे जिसमें हमारे गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं। अब ये टूट फूट चुके हैं, कभी कभार ये आते हैं तो हम दिखाएंगे आपको। चलिए अंदर गण दिल्ले तो चला गया, तो आप ये देख सकते हैं कैसा नज़ारा होता है अंदर। इन अंदर बंदे ये देख सकते हैं, लोग यहाँ पे अपने पशुओं को रखते हैं और यहाँ पे जो है वो लोग खुद रहते हैं। आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा कैसे ये रहते हैं। ये है कोठे हमारे गुज्जर समुदाय लोगों के। तो अभी अंदर जो है वो लोग जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे लोग हैं वहाँ हम चलते हैं। इसमें तो इस कोठे में तो लोग जो थे वो सोए हुए थे। तो चलते हैं दूसरे में। ऊपर से पूरी तरह से ढका होता है और इसमें एक ही जो है कमरा होता है, यानी होल होता है। ये है हमारे समुदाय के, इस गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं वो हैं। और अंदर के इनके रहने के ठिकाने ऐसे होते हैं दोस्तों, ये ऐसे इनके पशु रहते हैं इस साइड में और उस साइड में जो है ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पे अभी ये मिट्टी वगैरह लगा रहे हैं। मिट्टी लगा रहे हो? अच्छा अच्छा, ये तो हमारे जैसे इनके घर होते हैं, ये टेम्प्रेरी रहते हैं यहाँ पे और निचले हिस्सों में चला जाते हैं। कहाँ जाते हैं आप नीचे? कहाँ पे? रजेरा, रजेरा। अच्छा, यहाँ पे आप पशुओं को चलाने के लिए आते सिर्फ, है ना? और कोई काम तो है नहीं इधर, है ना? तो गाइस देखा, ये छोटे छोटे बच्चे कितने मासूम से लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। क्या नाम है भैया आपका? है माखू? आपका क्या है? लकत अली। अच्छा अच्छा, और आपके पापा कहाँ हैं? हैं, कहाँ है पापा? अच्छा, मैं गनेन। अच्छा, तो इनके पापा जो हैं वो भैंसों के साथ है, अभी नीचे चलाने के लिए छोड़ा हुआ उनको। तो दोस्तों मिलवाते थोड़ी देर बाद में उनको, अगर मिलते हैं तो। ये थे हमारे गुज्जर समुदाय के लोग, जो कि खासकर इन टप्परों में, टप्पर तो नहीं बल्कि ये कोठा होता है, यहाँ पे ये रहते हैं। यहाँ का अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं, ऊपर हसीन वादियाँ हैं चारों तरफ। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है ये, अब मौसम जो है वो ख़राब हो चुका है। तो गाइस, ये हैं इनकी भैंसें जिनको ये चराने इधर छोड़ते हैं और खुद भी ये साथ रहते हैं। आप देख सकते हैं भैंसों को चराने के लिए जो है ये इधर उतरे हुए हैं। बहुत सी इनकी भैंसें होती है जो चराने के लिए इधर लाया करते हैं। तो आप देख सकते हैं भैया, क्या नाम है? श्यामू। अच्छा अच्छा, और भैंसों के साथ आए हो? अच्छा अच्छा, कितने भैंसे रखी हैं? 40-50। अच्छा अच्छा, तो सभी सुई हुई हैं क्या? हाँ, थोड़ी थोड़ी। आपके पापा का क्या नाम है? अच्छा, वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? ठाणकोट में रहते हैं। तो आप हर साल आते हैं इधर? अच्छा अच्छा, तो ये पशुओं को लेके आते हैं ना? अच्छा, तो दोस्तों देखा आपने किस तरह के ये जो गुज्जर समुदाय है हमारा कैसे रहता है, कैसे इनका जीवन यापन होता है। ये तमाम सारी चीज़ें मैंने आपको अभी आपको दिखाई हैं। तो चलिए, हैं छतरी यार टूट गई है। ओ
तो आप देख सकते हैं चालीस पचास जो भैंसे इन्होंने रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं बारिश जो झमाझम लगी हुई है। तो हम अभी इनसे मिले हैं, बाकी कहाँ आपके लोग उस साइड जाना हमने वही, चलो चलते हैं पार्ले साइड। हेलो गाइस, ये है हमारे भाई गुज्जर समुदाय के लोग हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। अभी इनके जो मैंने आपको कोठे दिखाए थे, कोठे यानी घर जो जहाँ पे ये रहते हैं और कैसे वो रहते हैं, कैसे जीवन यापन होता है, तो तमाम सारी चीज़ें अभी इस वीडियो मैंने आपको दिखाई हैं। तो आइए भाई से बात करते हैं कि भाई कैसे हैं और कैसे ये रहते हैं, कहाँ इनके घर वार हैं। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालदीन है जनाब। अच्छा, इनका नाम है लालदीन जी। घर कहाँ है आपकी? घर हमारा इधर चंबा में पड़ता है, गागला में। गागला में, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही गागला नाम की एक जगह है जहाँ पे ये रहते हैं। लेकिन अभी जो टेम्प्रेरी ये है कुंवर पंचायत के ऊपर घाट नाम की जगह है जहाँ पे ये वास करते हैं, अपने पशु को लेकर खास मकसद से आते हैं, अपने भैंसे वगैरह चराने के लिए यहाँ पे आते हैं ये। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे? ठीक लगता है, अच्छा लगता है यार। अच्छा, महीने गुजर जाते हैं इधर। अच्छा, आराम से है? हाँ जी, हाँ जी, आराम से। मौसम भी टनाटन फर्स्ट क्लास, मौसम भी टनाटन, पर आज दो दिन हो गए बहुत खराब चल रहा है मौसम। अच्छा अच्छा, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती है भैंसों के साथ? कोई नहीं होती है, तो मस्त रहते हैं। मस्त रहते हैं तो अच्छा अच्छा, रात दिन भैंसे चरती रहती है, हम भी मस्त रहते हैं। मस्त रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो जहाँ ये भैंसे चरते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे कोई भी किसी के खेत की जरूरत नहीं है, किसी के खेत में पड़ने की जरूरत नहीं है पशुओं को। ये जो है खुलों में खुला माहौल है। पहले जो थे हमारे गद्दी समुदाय जो लोग थे वहाँ इन निचले हिस्सों में रहते थे, लेकिन अभी जो वो भी यहाँ पे नहीं रहते थे, इनको जो पूरा एरिया ऊपर तक ये भैंसे चराते हैं और खूब जो है भैंसे रखते हैं। अभी कितनी भैंसे है भाई? 50-60 भैंसे हैं हमारे। तो 50-60 भैंसे इन्होंने रखी है, 50-60 तो हमारे पूरी पंचायत में इकट्ठी करके भी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं, तो जो लोग दूध के शौकीन हैं, अगर कोई इधर किसी को भी दूध की सप्लाई चाहिए तो भाई से बात कर लेना भाई, और ये दूध आपको सप्लाई कर देंगे। इनसे तो बात कर ली हमने, तो ये भी हैं साथ के इनके इनके इनसे भी हमने बात करी। दूध पियो यार, और दूध आप फिर कभी पियेंगे भाइयों के पिला। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, वीडियो में बनी रहेगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।